बोलिए शंभो गौराना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। शंभो गौरा सदबुद्धि दे, सदज्ञान दे, सतमार्ग दे, आपका जीवन सुखमय हो ऐसी आपके लिए कामना करता हूँ और आपको ले चलता हूँ कोई अपने गोंडी गाथा की ओर। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय सज्जनों, एक समय चंद्रपुर चांदागढ़ के राज करने वाले गोंड राजा बीरसाहे अत्राम जी अपनी समस्त समाज सहित अपने गुरु विक्रमदेव के साथ बैठे हुए थे। उसी समय गुरु विक्रमदेव ने गोंड राजा बीरसाहे अत्राम जी को जो गाथा सुनाया था वही गाथा आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको कल बताया था जीव जगत की उत्पत्ति के बारे में। तो सबको मालूम होगा कि जीव जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कल मैंने ये बात बताया था। वो कौन सा टीला है जहाँ से हमारा बेल वंश चला, उस टीला को किस नाम से आज हम लोग जानते हैं, जिसको अगर मालूम होगा तो एक बार हाथ उठा के बताएंगे। कल बताया हूँ कौन सा टीला है जहाँ से जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसको मालूम हो तो हाथ उठा के बताएं। कल बताया हो ना, इतने लोगों को मालूम है फिर भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि हमारा जो जन्म स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है तो क्या बताओगे आप लोग। इसलिए बोल रहा था मैं कि नोट करते जाना। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, अमरकोट या अमरकंटक के नाम से, बताया था ना मैंने कल। तो यही से हमारी वंश बेला चली हुई है। तो ये बात मैंने कल बता चुका हूँ। अब आगे क्या हुआ, गुरु विक्रमदेव गोंड राजा बीरसाहे से आगे की गाथा सुनाते हुए बोले। क्या बोले, गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा बीरसाहे जब अमरकोट के टीला से हमारा वंश बेला चला, सल्ला और गांगरा से, सल्ला गांगरा से आंधी राव ने सुकमा पेरी हुए, सुकमा पेरी से गढ़ाधिपति गढ़ सेविकाओं का जन्म हुआ, इस प्रकार से धीरे धीरे बेल वंश फैलते गया। तो उस समय हम लोग खोए खंडारों में रहते थे, पेड़ पौधों के नीचे रहते थे और अपना समय बिताते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे वंश फैलते गया। उस समय बोले महाराज, हमारे बीच में रिश्ता नाता नहीं था कि कौन नाना लगेगा, नानी लगेगी, किससे विवाह करना है, किससे क्या करना है, ये व्यवस्था हमारे बीच में नहीं थी। क्योंकि हम जंगलों में पहाड़ों में रहते थे, उस समय हम लोग कोई पाप जानते थे ना पुण्य जानते थे, धर्म जानते थे ना अधर्म जानते थे, जंगलों में रहते थे। उस समय कपड़े का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम लोग जानवरों के छाल लपेटते थे, पत्तों से अपना तन ढकते थे, ये व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार से गुरु विक्रमदेव राजा बीरसाहे और समस्त समाज को बता रहा था। राजा तुरंत हाथ जोड़कर के खड़ा हो गया और गुरु विक्रमदेव से निवेदन करते हुए बोला, बोले गुरुदेव, आप कह रहे हैं कि उस समय कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, रिश्ता नाता नहीं था, तो फिर गुरुदेव आज तो हमारे बीच में ये रिश्ता बना हुआ है, सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, बनी है ना आज। तो बोले गुरुदेव, फिर ये सामाजिक व्यवस्था, ये रिश्ता नाता कैसे बना। तो गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा बीरसाहे, कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर धर्म गुरु का जन्म हुआ, उसी गुरु ने बोले ये व्यवस्था को बनाया। बोले सबसे पहले, बोले गुरुदेव, वो कौन गुरु है जिसने हमारी सामाजिक व्यवस्था को बनाया है, आता है आप कृपा करके उस गुरु की गाथा सुनाइए जिसने गोंडी सामाजिक व्यवस्था को बनाया है। क्योंकि हम लोग गोंडी व्यवस्था को मानते हैं लेकिन उसके बनाने वाले गुरु का बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानते ना। तो ये बात हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई पूछने लगे कि तुम गोंडी संस्कृति को मानते हो, ये गोंडी व्यवस्था को बनाने वाला गुरु कौन है, अगर आप नहीं बताओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए हमको
जिसने ये व्यवस्था बनाया है उस गुरु को जानना बहुत जरूरी है। उसी गुरु के बारे में गुरु विक्रमदेव से राजा बीरसाह पूछते हैं, कैसे? बोले गुरुदेव, अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था और किसने धर्म बनाया? बोले महाराज गुरुदेव, अरे गोंडी धर्म गुरु कौन था और किसने धर्म बनाया? अरे वही गाथा बतलाइए सुनन हेतु मन ललचाया। वही गाथा बतलाइए अरे सुनन हेतु मन ललचाया। अरे सुनन हे तुमन ललचाया, सुनन हे तुमन ललचाया। बोले गुरुदेव, उसी गुरु की गाथा बताइए जिसने गोंडी व्यवस्था को बनाया है। तो मेरे भाई, मैं उस गुरु की बात करने जा रहा हूँ जिसने ये पांच खंड धरती पर सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था बनाया। जितने भी यहाँ गुरु हुए हैं सब बाद के हैं, सबसे प्रथम गुरु है ये पांच खंड धरती का जिसने ये व्यवस्था को बनाया था। तो गुरु विक्रमदेव कहने लगे राजा बीरसाए कि बहुत पुरानी बात है, आज सुन राजा दे ध्यान। और पूर्व कोट के थे राजा, अरे पुलसिव था जिसका नाम। बोले महाराज, बहुत पुरानी बात है, पूर्वाकोट गणराज्य में पुलसिव नाम का एक राजा राज कर रहा था। क्या नाम का? पुलसिव। नोट कर लेंगे जो लिखना चाहते हैं तो। पूर्वाकोट गणराज्य में पुलसिव नाम का एक राजा राज कर रहा था कि जिसकी रानी थी हिरवा। महाराज, कि जिसकी रानी थी हिरवा, सुंदर चतुर सुजान, और प्राकृति के पूजक थे कि प्राणी दो महान। बोले महाराज, राजा पुलसिव की जो पत्नी है जिसका नाम था हिरवा देवी, हिरवा रानी, इस प्रकार से दोनों राजा रानी प्राकृति शक्ति फड़ापेन के सेवक थे, पुजारी थे। बोले महाराज, प्राकृति बड़ादेव की कृपा से पूर्वाकोट गणराज्य में धन दौलत भरपूर था, सब लोग सुखी थे, सब अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों से बिता रहे थे। कैसे? जहां संपत्ति भरे पूरे अपार, जहां संपत्ति भरे पूरे अपार, जे जहां जाए सेवा की नारा, जे जहां जाए सेवा की नारा, सेवा की नारा, सेवा की नारा। जहां पर सब लोग प्रकृति की सेवा करते थे, प्रकृति की कृपा से धन दौलत भरपूर था, सब सुखी थे, उस समय हमारे लोग कोई भगवानों को नहीं जानते थे। सिर पे अगर जानते थे तो चंदा सूरज को जानते थे, पेड़ पौधों को जानते थे, नदी समुद्रों को जानते थे, पहाड़ पर्वतों को जानते थे, और इन्हीं को हमारे लोग देवता मानते थे। इसके पहले कोई जैसे आज दुकानों में मिल रहे हैं ना, देवी देवता पुत्रा पुत्रिया, ये नहीं थे, जानते ही नहीं थे हमारे लोग, इसलिए वो प्रकृति को ही देवता मानते थे। तो उसी की सेवा करते थे, पेड़ पौधों की सेवा करना, धरती की सेवा करना, नदी समुद्रों की सेवा करना, और उन्हीं का गुणगान करते थे, उन्हीं का सुमरण करते थे, उन्हीं का गीत भी गाते थे। किसके गीत गाते थे? उन्हीं के गीत, क्योंकि वो समय चार वेद 18, 5, 6, 7, 9 ग्रंथ ये भारत में नहीं थे। जब ये नहीं थे तो उनको तो जानते नहीं रहे होंगे ना हमारे लोग, ये तो बहुत बाद की बात है।
अब हमारे लोग वेद पुराणों के गीत गा रहे हैं, गा रहे हैं ना, उस समय वेद पुराण नहीं थे। तो हमारे गोंडियन लोग पेड़ पौधों के गीत गाते थे, चंदा सूरज के गीत गाते थे। तो कैसे गाते थे, वो बना के गीत गाते थे, जो देखते थे उसको देख करके गीत बना के गाते थे। और आज भी बहुत सी जगह आज भी ये प्रकृति के गीत गाते हैं गोंड लोग, लेकिन कुछ लोग वेद पुराणों में चले गए हैं। लेकिन आज भी कुछ गोंड लोग वेद पुराणों के भगवान देवताओं को गीत नहीं गाते, प्रकृति के गीत गाते हैं। तो कैसे गाते हैं वो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ एक गीत के माध्यम से। की धरती दाई तोहे बंदने करो, तोरी लीला है बड़ी निराली, और शाम सवेरे अन्न देत है कि भोजन से भर भर थाली। और कि जात पात का भेद नहीं, अरे सबसे है बराबर प्यारो, और ऐसी माँ के चरणन में कि जय जय से बाजोहर। कि पांच तत्व बल देव है, कि पांच तत्व बल देव है, कि कण कण में जिनका बासो, और पांच देव रक्षा करे कि धरती जलवायु अग्नि और आकाश। यहाँ पर हमारे लोग पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ठीक है ना। जबकि पांच देव रक्षा करने वाले कौन है, धरती जल वायु अग्नि और आकाश, ये है पांच, सबकी रक्षा करते हैं, चाहे कोई समाज हो कोई जीव हो, इनके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, ये करते हैं सबकी रक्षा, ठीक है। और गीत कैसे गाते थे कि सात समुंदर सोना धार, झीला जा पट बंद पहाड़ जी, झीला जा पट बंद, अरे सालिया पहाड़ की माटी ला बंद जी, माथे तिलक लागा, अरे साले हा पहाड़ की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लागा, सा समुंदर सोला धार, सा समुंदर सोला धार, झीला झापट बंद पहाड़ मोरे साले हा पहाड़ की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लागा, अरे साले हा पहाड़ की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लागा। जय हो। गंगा नारावदा निर्मल जल में नहा थने उदाई, निर्मल जल में नहा थने गा,
तोरी गोद में गंगा नर्मदा निर्मले जल में नहाते उदाई निर्मले जल में नहाते गा तोरी कोरा में खेल कूद के तोर हमें तूते कहा थे उदाई तोर हमें तूते कहा थे गा कूद के तोर हमें पोते कहा थे उदाई तोर हमें पोते कहा थे गा सा समुंदर सोला धार सा समुंदर सोला धार जीला जापट बंदो पहाड़ मुरे कावर धार ये माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा अरे जीला कावर धार की माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा जय हो हीरा मोती तोर में चांदे सोना उदाई तोर में चांदे सोना तोरी पेट में हीरा मोती तोर में चांदे सोना उदाई तोर में चांदे सोना बारन बारन फले फूले खेलत है मैया कोना कोना उदाई मैया कोना कोना बारन बारन फले फूले खेलत है मैया कोना कोना उदाई मैया कोना कोना सा समुंदर सोला धार सा समुंदर सोला धार जीला झापट बनवा पहाड़ मुर छत्तीसगढ़ के माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा अरे छत्तीसगढ़ के माटीला बंदो जी माथे तिलक लगा जय हो जन्म लाए माँ लिंगो जी महाराज उदाई लिंगो जी महाराज तोरी गोद में जन्म लाए माँ लिंगो जी महाराज उदाई लिंगो जी महाराज
बावन गढ़ जीते राजा संग्राम साहे उदाई राजा संग्राम साहे। तोर सेवा करे पावन गढ़ जीते राजा संग्राम साहे उदाई राजा संग्राम साहे। सा समुंदर सोना धाम, सा समुंदर सोना धाम, जिला झापटे बनो पहाड़ मोरे गोंडवाना की माटी ला बनो जी माथे ते रख लगा। अरे गोंडवाना की माटी ला बंदो जी माथे ते लख लगा। सा समुंदर सोना धार, सा समुंदर सोना धार, जिला झापटे बनो पहाड़ मोरे सालिया पड़ाव की माटी ला बंदो जी माथे ते लख लगा। अरे साले हा पड़ाव के माटी ला बनो जी माथे ते लख लगा। अरे साले हा पड़ाव के माटी ला बनो जी माथे ते लख लगा। अरे छत्तीसगढ़ के माटी ला बनो जी माथे ते लख लगा। अरे छत्तीसगढ़ के माटी ला बनो जी माथे ते लख लगा। अरे छत्तीसगढ़ के माटी ला बनो जी माथे ते लख लगा। अरे छत्तीसगढ़ के माटी ला बनो जी माथे ते लख लगा। अरे छत्तीसगढ़ के माटी ला बनो जी माथे ते लख लगा। बोलिए धरती ताईला। इस प्रकार से पूर्वा कोट गणराज्य की जो प्रजा है प्रकृति के गीत गाती थी और प्रकृति की सेवा करती थी और अपना समय व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे मेरे सगाजनों, राजा पुलसिंह के विवाह के लगभग 5 साल हो चुके थे, 5 वर्ष हो चुके थे। राजा के पास सब कुछ था लेकिन 5 वर्ष के बाद भी राजा के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, राजा की एक भी संतान नहीं थी। इसलिए क्या हुआ, राजा रानी संतान के बिना बड़े दुखी थे। अरे बिन संतान दुखित दो प्राणी, दुखित दो प्राणी, अरे यही विधि बिता रहित जिंदगानी, यही विधि बिता रहित जिंदगानी। बिन संतान दुखित राजा रानी, बिन संतान दुखित दो प्राणी। राजा पुलसिंह के पास धन दौलत भरपूर था, सब कुछ था लेकिन राजा की संतान नहीं थी। इसलिए राजा रानी बड़े दुखी थे। राजा रानी दोनों सोचते थे कि प्रकृति की कृपा से, बड़ा देव बूढ़ा देव की कृपा से मेरे पास धन दौलत सब कुछ है लेकिन मेरी एक भी संतान नहीं है। मेरे मरने के बाद पूर्वाकोट गणराज्य का राजपाट कौन चलाएगा, ऐसा सोच सोच करके राजा रानी बड़े दुखी थे क्योंकि विवाह के लगभग 5 वर्ष हो चुके थे। इस प्रकार राजा रानी बड़े दुख के साथ अपना समय बिता रहे थे। मेरे भाई, धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रानी हिरवा अपने मन ही मन में सोचती है कि आज मैं नदी के पास जाकर के तोया फल खाती। रानी का मन हुआ उमर के फल खाने का, गूलर के फल खाने का, डूमर के फल खाने की इच्छा हुई रानी हिरवा की। तो रानी हिरवा ने क्या किया, घर में एक पिंजरे में तोता पला हुआ था। रानी हिरवा ने उस तोते वाले पिंजरे को उठाई और तोते को लेकर के घर से निकली
और चलते चलते वो नदी के पास पहुंची। नदी में जाके देखी तो नदी के किनारे ढेर सारे गूलर के पेड़ लगे हुए थे, मतलब डूमर के वृक्ष, जो फले थे और पके थे। रानी हिरवा ने जो तोते वाला पिंजड़ा है उसको जमीन पर रख दिया और पिंजड़े के दरवाजा खोलती है तो पिंजड़े से तोता निकला और निकलने के बाद वो डूमर के पेड़ की डाली में जाके बैठ गया और बैठने के बाद अपनी चोंच को ऐसा लिया और डूमर के फल तोड़ तोड़ करके तोता जमीन पर गिराने लगा रानी के लिए। रानी ने जैसे ही देखी तो रानी पेड़ के नीचे जा करके वो डूमर के फल उठा उठा करके खाने लगी और अपनी भूख को मिटाने लगी। इस प्रकार रानी हिरवा ने खूब फल खाई। थोड़ी देर के बाद अचानक हुआ क्या, बाबा शंभू की कृपा से वहां पर एक काला नाग आया, भुजंग गोंडी में तड़ाश बोलते हैं, सर्प आया। जिस पेड़ पर तोता बैठा था उसी पेड़ के पास पहुंचा और उसी पेड़ में वो नाग देवता चढ़ने लगा। जैसे ही तोता ने नीचे की तरफ देखा तो तोता घबरा गया नागदेव को देख करके। अरे बोले नागदेव आ रहा है। तोता घबरा कर वहां से भागा और पिंजड़े में जाके घुस गया। अब रानी ने देखी कि ये तोता भाग के क्यों आ गया, तो रानी देखती है कि उस पेड़ पर नागदेव चढ़ रहा है। रानी हिरवा समझ गई कि ये नागदेव के डर से ये तोता भागा है। बोले ये नागदेव ने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया, अब मेरे लिए फल कौन गिराएगा। रानी पछताने लगी और उसी समय नागदेव क्या करता है, पेड़ में चढ़ा और चढ़ने के बाद अपनी पूंछ को ऐसा हिला हिला करके डूमर के फल गिराने लगा। रानी देख रही है और नागदेव पूंछ से डूमर के फल तोड़ तोड़ कर गिरा रहा है। नागदेव समझ गया कि रानी डर रही है और तोता भी पिंजड़े के अंदर से बोलता है। तोता बोले रानी ये जो नागदेव है वो तुम्हारे लिए ही फल गिरा रहा है, इन फलों को उठा उठा कर खाइए। रानी कहने लगी बोले तोता नागदेव में जहर होता है, इन फलों में जहर लग गया होगा, इनको अगर खाऊंगी तो मुझे जहर लग जाएगा, मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं खाती। तोता कहने लगा बोले रानी नागदेव के मुख में जहर होता है, पूंछ पे नहीं होता, ये जो नागदेव है ये बाबा शंभू की कृपा से आया है, ये तुम्हारे लिए ही फल गिरा रहा है, इन फलों को तुम उठा उठा कर खाइए और अपनी भूख मिटाइए, आपको जहर नहीं लगेगा। रानी कहने लगी तोता मुझे डर लगता है। बोले नहीं रानी, अगर आप इन फलों को खाओगी तो बाबा शंभू से आपको आशीर्वाद मिलेगा, बाबा शंभू का आशीर्वाद मिलेगा। बोले कौन सा। बोले रानी तुम्हारे विवाह के 5 वर्ष हो चुके हैं, तुम्हारी एक भी संतान नहीं है, अगर आप ये नांग के द्वारा गिराए हुए फलों को खाओगी तो बाबा शंभू से आपको वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा कि तुमको बोले कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी। आप बोले विश्वास करो। जैसे ही रानी ने तोता की ये बात सुनी तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन में बाबा शंभू का स्मरण ध्यान किया और जो नागदेव फल गिरा रहा था उन फलों को उठा उठा कर रानी खाने लगी। जैसे ही रानी हिरवा ने उन फलों को खाई, भूख मिटाई और इसके बाद में रानी हिरवा वहां से पिंजरे उठा करके तोता वाला और चलते हुए घर पहुंची। घर जाकर के राजा पुलसिव से ये सारा समाचार सुनाती है। राजा पुलसिव से कहती है बोले स्वामी आज बोले मुझे बाबा शंभू का वरदान मिला है, जब मैं फल खाने गई थी तब। बोले कौन सा। बोले महाराज मुझे बोले कहीं ना कहीं से पुत्र की प्राप्ति होगी। बोले रानी अगर बाबा शंभू का वरदान अगर मिला है तो बोले ये बात पक्का है कि हमको कहीं ना कहीं से पुत्र मिलेगा।
अब राजा और रानी दोनों बाबा शंभू का प्रतिदिन सुमरण ध्यान करने लगे, समय बिताने लगे और उस समय का इंतजार करने लगे कि हमको बाबा शंभू की कृपा से पुत्र की प्राप्ति कब होगी। इस प्रकार से वो धीरे धीरे समय बिता रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन रानी हिरवा मन ही मन में सोचने लगी कि आज बोले नहाने के लिए मुझे पेंडुर गंगा जाना चाहिए। मन में विचार बनाती है कहाँ जाने के लिए, पेंडुर गंगा जाने के लिए। तो रानी हिरवा क्या करती है, अपने गांव की जो सखी सहेली थी उन सखी सहेलियों को बुलाती है और उनसे कहती है बहन आज मेरा मन नहाने के लिए मचल रहा है, इसलिए बोले बहन तुम सब लोग बोले तैयार हो जाओ नहाने के लिए जाने के लिए। तो सखी सहेली कहने लगी रानी कहाँ चलना है नहाने, तो मेरे भाई रानी बता रही है कि बोले बहन सुनो तुम सब मिलकर के कहाँ चलो, पेंडुर गंगा चलो री नहाने, पेंडुर गंगा चलो री नहाने, चलो री नहाने सखी चलो री नहाने, चलो री नहाने सखी चलो री नहाने, सपरे बिना जिया नहीं माने, सपरे बिना जिया नहीं माने, सपरे बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने। बोले बेन पेंडुर गंगा चलो बोले स्नान करने के लिए। तो सब सखी सहेली तैयार हो गई नहाने जाने के लिए। सुनत बचन सखिया हरसाई और संग रानी के तुरतई धाई। तुरंत सखी सहेली रानी के साथ तैयार हो गई। अब रानी सखी सहेलियों सहित पेंडुर गंगा में स्नान करने के लिए प्रस्थान होती है और धीरे धीरे चलते चलते पेंडुर गंगा के किनारे पहुंची। कैसे ते ही छड़ो गंगा निकट सबे आई, निर्मल जल को देखे हर साई, निर्मल जल को देखे हर साई, मोती रावण कहे गुन गाए, मोती रावण कहे गुन गाए, अब सुनो सगा जानो ध्यान लगाए, अब सुनो सगा जन ध्यान लगाए, निर्मल जल को देखे हर साई, तेही चलो गंगा निकट सब आए। रानी हिरवाई अपनी सखी सहेलियों के साथ गंगा जी के किनारे पहुंची और देखी तो सुंदर जल भरा हुआ था। रानी हिरवा बड़ी प्रसन्न हुई और सखी सहेलियों से कहने लगी बहन अब बोले आप सब स्नान करो। तो सब सखी सहेली नदी के किनारे बैठ करके नहाने लगी, स्नान करने लगी। रानी कहने लगी बोले मैं तो बोले बीच नदी में जाके बोले बीच धार में बोले डुबकी लगा लगा के नहाऊंगी। सखी सहेली मना करती है, बोले रानी नदियाँ गहरी होगी गंगा जी, बोले आप भी किनारे में बैठ के नहा लो। रानी कहने लगी नहीं बोले मैं तो बीच नदी में जाके डूब डूब के नहाऊंगी, डुबकी लगा के नहाऊंगी।
सखियों ने बार बार मना किया लेकिन रानी ने बिल्कुल नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके बीच धार में जाके खड़ी हो गई और डुबकी लगा लगा के नहाने लगी। कैसे नहा रही है दो लाइन में आपको गीत के माध्यम से। अरे पानी में रानी, अरे पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा में जाके हाँ गंगा में जाके, गंगा में जाके हाँ गंगा में जाके। ओ पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। ये पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। जय हो। गंगा बीचो जा रानी नहाए रही, मनो ही मन में हाँ खुशियां मनाए रही। गंगा बीचो जा रानी नहाए रही, मनो ही मन में हाँ खुशियां मनाए रही। और शुद्ध बुद्ध सारी भोलाए रही रे बीच गंगा में जाके। ये पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। जाके पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। जय हो। जाके पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। गंगा में जाके पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। पानी में रानी नहाए रही रे बीच गंगा में जाके। इस प्रकार से रानी हिरवा बीच धार में जाके डुबकी लगा लगा के नहा रही थी। उसी समय हुआ क्या मेरे भाई, उसी नदी में रानी से कुछ दूरी में पेंडोर गंगा में एक डोला तैर रहा था। डोला समझते हैं ना, डोला का ही परिवर्तन हो के आज लोगों ने विमान दे दिया, ठीक है ना। वो लकड़ी का डोला होता था, वो डोला पानी में तैर रहा था। रानी ने जैसे ही उस तरफ देखी डोला की तरफ, तो डोला बड़ा सुंदर था। रानी मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हुई और बोली इतना सुंदर ये क्या है। रानी नहाते नहाते तैरते हुए उस डोला के पास पहुंची और उस डोला के अंदर देखती है तो एक सुंदर सा बच्चा खेल रहा था डोला के अंदर। रानी को बड़ा अचंभा हुआ। रानी को तुरंत वो बाबा शंभू के वरदान की बात याद आ गई। रानी सोचने लगी कि ऐसा तो ना है कि ये बाबा शंभू की कृपा से बोले ये डोला के अंदर मुझे पुत्र मिला है, बोले बाबू शंभू का आशीर्वाद हो सकता है, बोले ऐसे मन ही मन में सोचने लगी।
और उस डोला को पकड़ के खींचते खींचते नदी के किनारे ले गई और सखी सहेलियों से बताई, बोले बहन देखो, बोले इस डोला के अंदर बोले सुंदर सा बच्चा खेल रहा है, ये कौन है? बोले सखी सहेली कहने लगी, बोले महारानी तुमको याद है कि नहीं? बोले क्या? बोले रानी आप बहुत पहले बता रही थी, बोले कि आपको बाबा शंभू का वरदान मिला है, तो बोले रानी ये बाबा शंभू का वरदान आज पूरा हुआ है, बोले बाबा शंभू की कृपा से तुमको बोले ये गंगा जी में पुत्र मिला है, बोले ये तुम्हारा ही पुत्र है। बोले रानी को और विश्वास हो गया, अब ये पुत्र ये विमान आया कहां से, ठीक है ना? तो पहले मैं ये बात को बता दूं आपको, ये पुत्र वहां कैसे मिला, किसने लाके डाला। तो मेरे भाई पूर्वा कोट गणराज में बिजलीपुरा करके गांव, उस बिजलीपुरा गांव में जालका नाम का एक जालका दाऊ रहता था, पुस्तक में भी पढ़े होंगे आपने जालका दाऊ, और जालका दाऊ की पत्नी का नाम था हीरा देवी, हीरा देवी, और राजा पुलसी की पत्नी का नाम है हेरवा। तो जो जालका दाऊ है वो बहुत गरीब आदमी था, लेकिन बाबा शंभू का परम भक्त था, बाबा शंभू का परम भक्त था लेकिन गरीब था। तो जालका के यहाँ रात्रि के समय में लगभग बताया जाता है 12 बजे, रात्रि के 12 बजे पुत्र का जन्म हुआ था जालका दाऊ के यहाँ, हीरा देवी के यहाँ। तो बाबा शंभू को पता चल गया कि मेरा जो भक्त है जालका, उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो बाबा शंभू सुबह सुबह जल्दी जालका के घर पहुँचा और जालका से कहने लगा, जालका दाऊ तुम्हारे घर में जो पुत्र का जन्म हुआ है उस पुत्र को बोले आप मुझे दान में दे दो। जालका दाऊ कहने लगा, बोले बाबा शंभू एक ही तो मेरा पुत्र हुआ है और उसी को आप मंगलोगे तो मैं क्या करूंगा। जालका दाऊ मतलब मना करने लगा, तो बाबा शंभू समझाते हुए बोला, बोले जालका दाऊ तुम्हारे घर में जो पुत्र का जन्म हुआ है वो पुत्र साधारण नहीं है, वो कोई होनहार बालक है और तुम गरीब हो, इस बच्चे की तुम पूरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं कर पाओगे, पालन पोषण की व्यवस्था नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम गरीब हो और तुम्हारा बच्चा होनहार है, इसलिए उस बच्चे को आप मुझे दान में दे दो, उस बच्चे को मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि उस बच्चे की सारी शिक्षा दीक्षा पालन पोषण की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, इस और तुम्हारा जो बच्चा है वो आगे चल करके बोले 5 खंड धरती का गुरु बनेगा, जिसको जगत के लोग उसकी व्यवस्था पर चलेंगे, मतलब जगत गुरु कहलाएगा। तो जालका दाऊ बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र को लेकर आया हीरा रानी देवी के साथ और बाबा शंभू के गोद में सौंप दिया। तो उसी पुत्र को बाबा शंभू ने क्या किया, रानी हिरवा के आने से पहले, नहाने के आने से पहले लकड़ी का डोला बना करके और उस लकड़ी के डोला में रख करके वहां पर नदिया में छोड़ दिया था। वही पुत्र हिरवा रानी को मिला तो रानी हिरवा ने वो डोला को खींचते हुए नदी के किनारे ले गई और सखी सहेलियों को बताई, तो सखी सहेलियां कहने लगी, बोले रानी ये जो पुत्र है बोले बाबा शंभू के आशीर्वाद से मिला है, बोले बाबा शंभू की कृपा से, ये तुम्हारा है, बोले इसे अब घर रख लो। तो अब सखी सहेली सहित रानी हिरवा उस पुत्र को लेकर के घर जाती है, कैसे? रानी चली, रानी चली महल की ओर, संग लिया तेनो सुंदर छोरा, संग लिया तेनो सुंदर छोरा, संग लिया तेनो सुंदर छोरा। रानी सखी सहेलियों सहित उस पुत्र को लेकर घर पहुंची
और घर पहुंच करके रानी हिरवा ने राजा पुलसिव से सारा समाचार सुनाई। राजा पुलसिव ने जैसे ही सुना तो कहने लगा, रानी बाबा शंभू की बड़ी कृपा है और बाबा शंभू अगर जिसको वरदान देता दे देता है तो उसका वरदान कभी फेल नहीं होता। बोले देखो आज हमको पुत्र मिल गया। राजा पुलसिव बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा पुलसिव ने ये नहीं बताया कि ये पुत्र मिला है। राजा पुलसिव ने पूरा कोट गणराज में ये खबर दे दिया कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। कैसे खबर दे दिया? अरे गली गली और गाँव शहर में अरे मच गा भारी हल्ला रे, अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे, अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे, गली गली और गाँव शहर में गली गली और गाँव शहर में अरे मचो है भारी हल्ला रे, अरे मचो है भारी हल्ला रे, अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के लल्ला रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे, जो हो नर नारी सब दर्शन करने राजा के घर आवे, नर नारी सब दर्शन करने राजा के घर आवे, हिल मिल के सब मात्र शक्तियां सुंदर गीत सुनावे, हिल मिल के सब मात्र शक्तियां सुंदर गीत सुनावे, आज नगर में धूम मचो है, आज नगर में धूम मचो है, अरे मचो है भारी हल्ला रे, अरे मचो है भारी हल्ला रे, अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे, अरे पुलिस के घर जन्म भयो है सुंदर सोए के ललना रे। अरे पुलिस के घर जन्म भयो है
सुंदर से ललनारे तुलसी के घर जन्म भयो है सुंदर से के ललनारे तुलसी के घर जन्म भयो है सुंदर से के ललनारे। बोलिए बुढ़ाल पेंता